क्रिकेट का जुनून कई जगहों पर लोगों की रगों में दौड़ता है और जब बात भारत और पाकिस्तान की होती है तो ये और दिलचस्प हो जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच खराब रिश्तों के चलते लंबे समय से कोई सीरीज नहीं हो पाई है। पिछले कुछ सालों में सिर्फ वर्ल्ड कप में ही दोनों देशों के बीच कुछ मैच हो पाए हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज कराई जाए। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक फैन ने पोस्टर पर लिखकर उसकी मांग की है। तो चलिए डिटेल से बताते हैं इस पोस्टर की कहानी क्या है। पाकिस्तान के मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच मैच चल रहा था, तभी एक पोस्टर ने सभी क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये नजारा उस समय देखने को मिला जब डेब्यू बॉय शहनवाज दहानी गेंद कर रहे थे। जैसे ही शहनवाज ने मेयर्स को इमाम उस हक के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेज दिया, दहानी के इस डेब्यू क्रिकेट के एक साथ ही पाकिस्तान के खेमे में खुशी छा गई। दर्शक भी खुशी से झूम उठे। इतने में एक दर्शक ने पोस्टर लहराया जिस पर लिखा था, वी वॉन्ट टू वेलकम इंडिया, हम भारत का स्वागत करना चाहते हैं। जाहिर है फैन कहना चाह रहा था कि भारत टीम वेस्ट इंडीज के जैसे ही उनके यहाँ आए और मैच खेले। अगर भारत पाकिस्तान सीरीज की बात करें तो पाकिस्तान की टीम ने 2012 से 13 में इंडिया टूर किया था। दिसंबर से जनवरी के बीच दो T20 और 3 वनडे मैच खेले गए थे। ये दोनों देशों के बीच आखिरी सीरीज थी, जबकि भारत ने पाकिस्तान में आखिरी मैच 2 जुलाई 2008 को खेला था। ये मैच पाकिस्तान के कराची स्टेडियम में खेला गया था। इसके बाद से भारतीय टीम कभी पाकिस्तान में नहीं खेली है। अगर बात करें पाकिस्तान की तो पीसीबी चेयरमैन रमीज रजा भी भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच फोर नेशन सीरीज का प्रस्ताव दे चुके हैं। हालांकि आईसीसी में उनकी नहीं चली और फिलहाल इस चर्चा पर विराम लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस टीम इंडिया का वेलकम करना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल स्पोर्ट्स सिटी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।